हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सदर स्मार्ट रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं डोसा, डोसे का मसाला, सांभर और चटनी। इसके लिए हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम सांभर के लिए दाल चढ़ाएंगे। इसके लिए हमें मसूर की दाल आधी कटोरी, अरहर की दाल आधी कटोरी, मूंग की दाल आधी कटोरी, इन सबको हम धो के एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हमने सारी दालें धो के एक प्रेशर कुकर में डाल दिया और उसमें एक गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें आगे का मसाला डालेंगे। अदरक लहसुन दरदरा कूटा हुआ, हरी मिर्ची चिरी हुई, हरा धनिया, सांभर मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हम इसमें सब डाल देंगे एक एक करके। हमने इसमें हरा धनिया, अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट और हरी मिर्ची डाला है। अब हम इसमें आधी टीस्पून हल्दी डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर। हमने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें एक बड़ा आलू और एक बड़ा प्याज ऐसे कट करके डालेंगे इस तरह। और इसे इसका प्रेशर ढक्कन लगा के हम 2-3 सीटी तक पका लेंगे। हमारा प्रेशर कुकर शुरू हो चुका है, हमारा सामान बन रहा है। हम जब तक हम चटनी बनाएंगे, इसके लिए हमें एक कटोरी पिसा हुआ खोपरा, आधी कटोरी सांभर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, आधी कटोरी दही और जीरा, हम इन सबको एक एक करके हम इन सबको साथ में पीस लेंगे। 1 टीस्पून जीरा, और इन सब को अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। हम इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और फिर इसे एक और बार अच्छी तरह पीस लेंगे। हमारी चटनी अच्छी तरह पीस चुकी है। अब हम इसे इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इस चटनी को तड़का लगाएंगे। इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल लिए, अच्छी तरह गरम करके हम 1 टीस्पून राई डालेंगे और इसमें कड़ी पत्ता, अच्छी तरह कलर आने तक हम इसे पका लेंगे। देखिए इस तरह से फूल कर लेंगे। चटनी का तड़का अच्छी तरह हो चुका है। अब इसमें इसे हम चटनी में तड़का लगा लेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम कुकर की गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का वेट कर लेंगे। हमारी दाल का कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे 2 गिलास पानी डाल के इसे अच्छी तरह पतली कर दिया और अब हम इसमें 4 बड़ी ड्रमस्टिक और 4 बड़े टमाटर कट किए हुए डाल देंगे, 1.5 टीस्पून सांभर मसाला,
और एक टीस्पून आमचूर पाउडर, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फिर कुकर का ढक्कन लगा के हम एक सीटी आने तक पका लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। अब हम डोसे के लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें 3 बड़े प्याज कटी हुई, 4 बड़ी आलू बॉईल और मैश किया हुआ, हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, राई, जीरा, ऑयल और नमक। हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, हाफ थोड़ा और। इसे अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम राई जीरा डालेंगे। हाफ टीस्पून राई और हाफ टीस्पून जीरा। अब हम इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे केयरफुली। हमारी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पोटैटो डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्वाद अनुसार नमक डाल के। इस मसाले को हम पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे इस तरह। हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसे बंद कर लेंगे। हमारा सांभर भी हो चुका है, इसे हम पतला कर लेंगे और तड़का देंगे। हम दाल के लिए तड़का लगाएंगे, इसके लिए हम 1/2 चम्मच तेल डालेंगे, इसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और फिर 1 टीस्पून राई डालेंगे। एक टीस्पून जीरा से अच्छी तरह तड़का लेंगे और इसमें हम कड़ी पत्ता और मिर्च डालेंगे। हमारा तड़का हो रहा है, इसमें हम 1/2 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे और इसे अच्छी तरह पकाना। से देखिए ये अच्छी तरह कलर बदलना चाहिए इसका। और इसे हम दाल में तड़का लगा लेंगे इस तरह और इसे एक बार आटा लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इससे अच्छी तरह बॉईल हो कर लेंगे। चलिए अब हम डोसे के लिए रेडी कर लेते हैं। ये पहले से ही हमने रेडी कर लिया है, इसकी क्वांटिटी मैंने ये 1 कटोरी, ये इस हिसाब से मैंने 3 कटोरी राइस ली हूँ और 1 कटोरी उड़द दाल, इसे मैंने 10 घंटे भिगो के रखा था, फिर इसे पीस लिया और इसे पीसने के बाद मैंने नमक, सोडा और 1 नींबू का जूस डाल के इसे 15-20 घंटे के लिए रख दिया था
10-15 घंटे के लिए, और ये रेडी है, हमें हम इसे बनाएंगे इससे अपना डोसा। सबसे पहले हम डोसा तवा लेंगे, उसे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ये इडली बैटर, डोसा बैटर है, इससे अगर आप पतला भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। आइए हम डोसा बना लेते हैं। हमारी हमारा तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डाल के इस तरह फैला लेंगे। गैस की आंच खुली रख के हम एक कटोरी बैटर लेंगे और उसे इस तरह बीच में रखेंगे, इसे जल्दी जल्दी केयरफुली हल्के हाथ से। अब हम इसमें ऊपर से इसे तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह गोल्डन कर लेंगे। हम इसमें बीच में इस तरह मसाला फैला लेंगे। थोड़ी देर और पका लेंगे। हमारा ये डोसा रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे, इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक और डोसा बनाएंगे और मैं एक पेपर डोसा बनाऊंगी, जिसके लिए हमें 2 कटोरी बैटर, तो 1 कटोरी पानी डालूंगी और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब हम अपने डोसे तवे पे ऑयल डालेंगे और इस तरह फैलाएंगे और हमारे बैटर और हम एक कटोरी बैटर लेंगे और उसे इस तरह फैलाएंगे। देखिए इस तरह, और इसमें हम ऑयल डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर, और इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे एक तरफ से। हमारा पेपर डोसा रेडी है। अब हम इसके प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा डोसा एकदम रेडी है, एक तरफ मसाला डोसा, एक तरफ पेपर डोसा। उसके लिए हमने मसाला भी रख लिया है साथ में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सदर स्मार्ट रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।